स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टूडे आई विल डिस्कस विद यू एक्सरसाइज 11.3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक योर होमवर्क. फर्स्ट पार्ट द थर्ड सम सी, ठीक है. इसी तरह फोर्थ सम सी, नेक्स्ट फिफ्थ सम. वीडियो पॉज करके चेक कर लेना है. एट्थ सम सी, इसी तरह नाइन्थ और टेंथ, ठीक है. नेक्स्ट सेकंड पार्ट द फिफ्थ सम सी, सिक्स सम सी, इसी तरह एट्थ सम सी, सॉरी सेवन सम सी, ठीक है, और एट्थ सम सी, ठीक है. वीडियो पॉज चेक करके तुझे चेक कर लेना. नेक्स्ट थर्ड पार्ट द फिफ्थ सम सी, सिक्स सम सी, सेवन सम और एट्थ सम, ठीक है. नेक्स्ट तुसी फोर्थ पार्ट द फिफ्थ सम, ये भी मैं होमवर्क वास दिता सी. सिक्स सम सीगा, सेवन सम सी और एट सम सी, ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो किस तरह करना है. फिफ्थ पार्ट द फर्स्ट देखो, आप दो नंबर वाली मतलब दो रैशनल नंबरस जिहड़े दिते सीगे जिद्दां ये सम सीगे, इन्हां नूं तां प्लस आप कर लईए, बट जदों थ्री नंबर होण किद्दां करनी है प्लस उन्हां दी. देखो फर्स्ट सम हैगा 4/3 प्लस माइनस 21/70 प्लस माइनस 3/35, ठीक है. इस तरह कर लेंगे, विजिबल है, ठीक है. देखो हुण सब तो पहला आपां की करना है, 7, 70 और 35 इन्हां तिन्नां दा की ले लेना एलसीएम, क्योंकि तीनों की आ सेम नहीं हैगी, ठीक है. तिन्नां दा की ले लेना एलसीएम. 10 पहला की करना, 7, 70 और 35 दा की लेना एलसीएम, ठीक है. सैवन और 70 और 35 का एलसीएम लेना. देखो 7, 70, 35 थो एलसीएम तो आ रही आता ही है ना, सो मैं एलसीएम डायरेक्ट लैन लगी हाँ. पहला 5 पे जाएगा, 5, 7 ठीक है, फिर 7 पे जाएगा, 70 एलसीएम आ गया, ठीक है. सो आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ, सेम उस तरह ही करना, एलसीएम ऑफ 7, 70 और 35, 35 माइनस 3, 35, इन तिना वैल्यूज़ का एलसीएम जोड़ा आया अपने को 70 आ गया, ठीक है. हूँ देखो पहला आप करते हैं 4 जी फस्ट वैल्यू उन्होंने इन्ना मल्टीप्लाई मतलब 4/7 मल्टीप्लाई 17 कर लो. 7 के 70 कट्टे गए 10 आ गए, 10 4 जा किन्ने होंगे 40. सो इट मीनस देखो पहला तो आप एलसीएम लिखना 70 उपर पहला की आ गया 40, ठीक है. नैक्सट ए वाली वैल्यू न मतलब 21/70 मल्टीप्लाई कर देना 70 कैंसल की आ गया 21, ठीक है. 21 कहदे आने माइनस दे, ठीक है. नैक्सट इस तरह -3/3/35 है मल्टीप्लाई 70, इन्हों दोनों नूं कट दो, किन्ने ते कट होया है 2 ते, ठीक है. सो 3 2 6 का दे होने माइनस दे, क्योंकि माइनस जिहड़े 3 माइनस दे सी, ठीक है. चौक चाल हो गया अज 6. नैक्सट इन्हें सिंपलीफाई कर लो, देखो ये प्लस दा है, ये दोनों वैल्यू माइनस दी हैं, जिहड़ियां दोनों वैल्यूज माइनस दी हैं इन्होंने की होना प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 21 दे विच 6 प्लस करूँगे कि आ जाऊगा 27, तो 27 का दा आऊगा माइनस दा. हुण अपने कोल प्लस दा की है 40, प्लस दा की है 40, प्लस माइनस माइनस, इट मीनस दोनों ने की होना माइनस. 40 दे विचों 70 माइनस कर लो, जो 40 चो 70 27 माइनस करूँगे तो 13 आ गया, ठीक है. सो 13/ कि आ गया साढ़े को आंसर 13/70, ठीक है. ये साढ़ा की आ गया आंसर. सैकेंड सम देखो 2, 4, 8 का हूँ आप एलसीएम लेना, 2, 4, 8 का एलसीएम लेना, 2, 4, 8 का एलसीएम देखो 2, 1, 2, 2, 4, 2, 1, 8 आ गया, ठीक है. एलसीएम अपने को 2, 4, 8 का की आ गया, एलसीएम ऑफ 2, 4, 8 = 8, ठीक है. एलसीएम कितना आ गया 8. हूँ देखो 8 नू इन्ना मल्टीप्लाई करना, 1/2 नू 8 दे नाल मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया कट हो गया 4, इट मीनस 4 कादे आने 4 माइनस
ठीक है, ईजी है। नैक्सट इस तरह 3/4, 3/4 नू मल्टीप्लाई किन्ना करना, 8 ना, 4 2 8, ठीक है, 4 दे टेबल च 8 आउंदा, किन्ने ते आउंदा 2 ते, सो 3 2 किन्ने हो गए 6, 6 कदे आने माइनस दे, जिन्हां नू पहले सैकेंड थर्ड पार्ट समझ लग गया उन्हां नू ईजीली समझ लग जाने, जिन्हां नू वो समझ नहीं लगे दैन ये भी नहीं समझ लगना। 5/8 तीजी वैल्यू नू मल्टीप्लाई किन्ना करना सी एलसीएम दे नाल, 8 ना 8 कैंसल, सो बचिया की 5 कदे आ प्लस दे, ठीक है। नैक्सट देखो दो वैल्यूज माइनस दी, एक वैल्यू प्लस दी है, इंटीजर्स दे वैसे आपां कीते है ना, दो वैल्यूज माइनस दी है, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 6 ते 4 किन्ने हो गए 10, 10 कदे आ गए माइनस दे, ठीक है, 10 माइनस दे आ गया, तो प्लस दे की है 5, प्लस माइनस माइनस दोनों ने की होना माइनस, तो वड्डी वैल्यू दे अगे माइनस है, सो माइनस दे 5 आ गए, माइनस दे 5/8 की आ गया साढ़े को आंसर, माइनस दे 5/8 की आ गया साढ़े को आंसर, क्लीयर। नैक्सट देखो तीजा सम 3, 6 ते 12 का एलसीएम देख लो, पहला 3, 6 ते 12 3 3 2 6 6 2 12 ये आ गया अपने को 12 एलसीएम, ठीक है, सो 12 एलसीएम आ गया, पहले तुसी लिख लेना एलसीएम ऑफ 3, 6, 12 इज इक्वल टू 12। हुण देखो 2/3 नू मल्टीप्लाई किन्ना करना एलसीएम दे नाल, 3 दे टेबल च 12 आउंदे, किन्ने ते आउंदे आ 4 ते, कट दिओ 4 नू 2 नाल मल्टीप्लाई कीती, 4 2 8, 8 कदे आउणे आ माइनस दे, क्योंकि 2 दे मूहरे माइनस सीगा, ठीक है। नैक्सट हैगा 7/6, 7/6 नू मल्टीप्लाई किन्ना करना 12 दे नाल, 12 की है एलसीएम, 6 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 12 ਆਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਤੇ, ਕੱਟ ਦਿਓ 7 2 14, ਸੋ 14 ਆ ਗਿਆ, 14 ਕਾਹਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 12, 12 ਨਾਲ 12 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, 1 ਕਾਹਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਪਲੱਸ ਦੇ, 1 ਕਾਹਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਪਲੱਸ ਦੇ, ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ, ਸੋ 8 ਅਤੇ 14 ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22 ਆ ਗਿਆ, 22 ਕਾਹਦੇ ਆ ਗਏ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਕਾਹਦੇ ਆ ਗਏ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਪਲੱਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਈਨਸ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 21/12 ਆਨਸਰ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 21/12 ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ 3 ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, 4th, 5th, or 6th ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ। ਨੈਕਸਟ 6th ਸਮ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ 6th ਸਮ ਦੇਖੋ, ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ 2 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ -3। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ -3। ਇਫ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ -11/6, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਅਦਰ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ -11/6 ਆ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ -3, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੂੰਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮ, ਸੋਰੀ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਟ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸ ਆ। ਵਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 11/6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਮ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਰੀ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਆਹ ਸੀ 11/6 ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਐਕਸ ਆ ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3 ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਉ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਐਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3 ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੇ ਆ, 3/1 ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਆਓ। -3 11/6 ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ +11/6, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ
सिंपलीफाई आप देखो एलसीएम लैके सिक्स से वन का एलसीएम कितना आऊगा सिक्स से आऊगा देखो मैं इतने दोबारा लिखने लगी हूँ थ्री ओवर वन प्लस इलेवन ओवर सिक्स है सिक्स से वन का एलसीएम कितना आ गया सिक्स हूँ इनू थ्री नाल मल्टीप्लाई करो मतलब कि थ्री ओवर वन मल्टीप्लाई सिक्स किया सिक्स थ्रीजा एटीन माइनस दे एटीन आ जाने इदा ही किया आपां पिछे भी संबंध नैक्सट इलेवन ओवर सिक्स नू मल्टीप्लाई करना सिक्स के नाल सिक्स की से एलसीएम सिक्स ना सिक्स कैंसल की आ गया इलेवन इलेवन कदे आने प्लस दे ठीक है इलेवन कदे आने प्लस दे इलेवन प्लस माइनस माइनस दोनों ने कि हूँ आपस माइनस एटीन चो इलेवन कढ़ दो किन्ने हो गए माइनस दे सैवन ओवर सिक्स आंसर माइनस दे सैवन ओवर सिक्स मतलब कि जोड़ा आप आधार नंबर लैट किया एक्स एक्स की वैल्यू कि आ गई माइनस दे सैवन ओवर सिक्स तो एंड ते लिख देना अदर नंबर इज इक्वल टू माइनस सैवन ओवर सिक्स नैक्सट सैवन सम देखो द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज़ वन ओवर टू सिमिलरली ये भी जोड़ दिता से जिदा माइनस टेन ये वन ओवर टू दिता हुआ इफ वन ऑफ द नंबर एक नंबर दिता हुआ दूजा नंबर पता करना है तुसी खुद सम करना है ठीक है एट सम देखो वट नंबर शुड बी एड टू माइनस फाइव ओवर इलेवन सो एज टू गैट ट्वेंटी सिक्स ओवर थर्टी थ्री देखो कहें कि वट नंबर शुड बी एडड वट नंबर शुड बी एड सपोज वो नंबर लैट कर लो जो भी एड किया स्टेटमेंट्स वो कह कि रहे वट नंबर एड टू बी मतलब कि कहड़ा नंबर ये एड किया जाए कि अपने को आंसर इन्ना बन जाए ठीक है सो देखो आप नंबर लैट कर लेना लैट नंबर जिहड़ा भी आपां पता करना है उन्हूं आपां लैट कर लिया कि वह एक्स आ ठीक है नैक्सट उस तो बाद क्या से कि इस नंबर दे विच वट नंबर शुड बी एडड मतलब कि ए नंबर जिहड़ा इहदे विच जे मैं कहिंदे ऐड कर दवां माइनस दे फाइव ओवर इलेवन दैन मेरे को आंसर कितना आता ट्वेंटी सिक्स ओवर थर्टी थ्री आता ठीक है हुण इहनूं सिंपलीफाई कर लो एक्स इधर ही रहण देना ठीक है एक्स तो बिना वाली उधरली साइड पहला ट्वेंटी सिक्स ओवर थर्टी थ्री आ गया ठीक है ट्वेंटी सिक्स ओवर थर्टी थ्री ए कहदे आ माइनस दे इधर जाके कहदे हो जाने प्लस दे माइनस दे फाइव ओवर इलेवन आ ठीक है इतने भी दे लो सिंपलीफाई जो करूँगी प्लस माइनस माइनस सो माइनस दे रह जाने माइनस दे फाइव ओवर इलेवन है इधर जाके कहदे हो जाने फाइव ओवर इलेवन प्लस दे हुण इहनूं सिंपलीफाई कर लो थर्टी थ्री और इलेवन का एलसीएम कितना हुंदा थर्टी थ्री और इलेवन का एलसीएम हमेशा थर्टी थ्री हुंदा है नैक्सट देखो ट्वेंटी सिक्स ओवर थर्टी थ्री मल्टीप्लाई किना करना थर्टी थ्री ना एलसीएम के थर्टी थ्री ना थर्टी थ्री कैंसल की बचिया ट्वेंटी सिक्स प्लस अगेन फाइव ओवर इलेवन मल्टीप्लाई किना करना थर्टी थ्री ना इलेवन के टेबल से थर्टी थ्री आते किन्ने आते थ्री से ठीक है फाइव थ्रीजा फिफ्टीन फाइव थ्रीजा किन्ने हो गए फिफ्टीन ठीक है सो दोनों नू प्लस कर दो प्लस करके कि आ गया वन थ्री फोर फोर्टी वन ओवर थर्टी थ्री मतलब कि जिहड़ा अपने कोल आपां नंबर लैट किया सी वो कितना आ गया फोर्टी वन ओवर थर्टी थ्री आ गया ठीक है जिन्हां नूं प्लस माइनस च प्रॉब्लम आ रही है वो पहला मेरी पिछली वीडियो देख लैन एक बार फिर उन्होंने क्लीयर हो जाना सारा ठीक है नैक्सट देखो नाइन सम देखो सबट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दिस वो की कह रहे हैं कि सबट्रैक्ट करो मतलब मेन काम की करना माइनस करना केदे चो द सम ऑफ मतलब इन्हों दोनों का जोड़ इन्हों दोनों का जोड़ फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ मतलब इन्हों दोनों का डिफरेंस तो इन्हों दोनों के जोड़ पहले इन्हों दोनों जोड़ लेना इन्हों दोनों माइनस कर लेना ठीक है ये भी तुसी खुद सम करना है ईजी है मैं थोड़ा दस दिनी कि करना सब तो पहला करना आ दो वैल्यूज़ में जोड़ लेना मतलब कि पहले इन सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करो थ्री इंटू थ्री ओवर इलेवन तो टू इंटू फाइव ओवर ट्वेंटी टू सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेना इलेवन थ्री ना मल्टीप्लाई करके आँदी है थानू प्लस करके थ्री जिन्ना आया ठीक है जिदा इलेवन थर्टी थ्री थर्टी सिक्स आ जाना यदा आ जाना ट्वेंटी फोर्टी फोर फाइव फोर्टी नाइन ओवर ट्वेंटी टू इन्हों दोनों ऐड कर देना जोड़ देना ठीक है जिहड़ी भी वैल्यू आऊगी वो वैल्यू रख ली एक साइड से फिर इन दोनों आ जड़ियाँ दो वैल्यूज़ दित्तियां इन दोनों माइनस करना मतलब इदा दो वैल्यूज़ ये आनगियां उन्होंने माइनस कर देना ठीक है जो दोनों के आंसर आने जिदा पहली का आंसर तो दूजी का आंसर दूजी विचों पहली माइनस कर देनी ठीक है जो यदा आंसर आऊगा वो इनू माइनस कर देना ये आंसर में ठीक है ये आंसर के आंसर माइनस कर देना थोड़ा आंसर आ जाना ठीक है नैक्सट देखो टेंथ सम वट नंबर एड टू विल गैट विल वी इस तरह का सम है एटथ के सम वर्गा कि नंबर एड किया जाए ये
ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। 11 ਸਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਲਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼, ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ। ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, -13/18। ਇਫ ਵਨ ਆਫ ਇਜ਼ -5/12, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ -5/12 ਆ, ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੱਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੈਟ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -5/12 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ -5/12, ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, -13/18, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, -13/18 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। -5/12 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ, 13/18। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਤਾਰ ਲਓ, -13/18, ਠੀਕ ਹੈ। -13/18 ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -13/18। ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, 12/-5 ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 12/-5 ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਕੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ -13/12 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਓਵਰ 18 ਦੇ ਨੂੰ -5 ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਹਟਾਓ ਦੇਣਾ, 13/12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 18/5 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 12 ਸਮ, ਵਾਈ ਵੱਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਡ -3/4 ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਟੂ ਗੈਟ 2/3। ਵੱਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -3/4 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ 2/3 ਬਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨੰਬਰ, ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਲੈਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, 2/3 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ 2/3 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸ, ਇਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ, ਸਰੀ 2/3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 2/3 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, -3/4 ਦੇ ਨਾਲ, -3/4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ 2/3 ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਕਸ ਇੱਧਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, 2/3 ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, 3/4 ਆਇਆ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4/-3, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 2 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਂਡ 4 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ 2/4 ਜਾਂ 8 /3 = 9 9 ਕਾਹਦੇ ਹੋਣੇ, -3। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, -8/-9 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ 13 ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਵੱਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ -1/6 ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇ ਬੀ ਇੰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮ 12 ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 13 ਸਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 14 ਸਮ ਦੇਖੋ, ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ 5 ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਈਚ ਬੁੱਕ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ 5 ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ₹180 × 1/4 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 180 × 1/4 ਆ,
पांच बुकों का रेट इन्ना है, पता की करना है एक बुक का रेट, ईच बुक का, ईच बुक मतलब एक बुक का हरेक बुक का, ठीक है। प्राइस ऑफ वन बुक कितना पता करांगे आप, रुपीज 180 1/4 मल्टीप्लाई, सॉरी पहला तुसी इनू सिंपल फ्रैक्शन च कन्वर्ट करो, पहला तुसी इनू सिंपल फ्रैक्शन च कन्वर्ट करो कि आएगा 720 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इन्हें जो मैं सिंपल फ्रैक्शन च कन्वर्ट किया 720 1/4 आ गया, ठीक है। हुण की करना आप, हुण की करना, देखो एक बुक का रेट पता करने लिए आप 720 1/4 डिवाइड कर देना 5 के नाल, ठीक है। इनू भी फ्रैक्शन की फॉर्म च लिया वन लगा के इनू सिंपलीफाई कर लो, हुण बस 720 1/4 डिवाइड नू मल्टीप्लाई कन्वर्ट किया 1/5 आ गया, कटिंग कर देनी है, जे तो कटिंग होंगी आंसर कर दियो, अदरवाइज़ इनू मल्टीप्लाई ये नाल इनू ये नाल करके आंसर कर लो, ठीक है। नैक्सट जिहड़ा एग्जाम आ फ्रॉम अ रोप, बस आप इन्ने सम करने से, ठीक है। तुसी ट्राई जरूर करना है, तो बाकी सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।